हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा जो दूसरा था वो था पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना गया। भक्ति काल, इसमें भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया। पहली थी निर्गुण भक्ति, जिसमें उस निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर की उपासना की गई थी। उस निर्गुण ब्रह्मरूपी ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग बतलाए गए थे। एक था ज्ञान मार्ग, जिसके प्रवर्तक के रूप में कभी कभी को माना जाता है। दूसरा था प्रेम मार्ग, जिसके प्रवर्तक के रूप में कभी जायसी को माना जाता है। ज्ञान मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग में किस तरह कभी उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर को किस तरह ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा में साक्षात्कार करते हैं, किस तरह उसे एकाकार करते हैं, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा था प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग में किस तरह प्रेम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का किस तरह से एकाकार होता है, किस तरह प्रेम के माध्यम से आत्मा उस परमात्मा से साक्षात्कार करती है, ऐसा तो इस पर हमारी बातें हो चुकी थी। हमारा चल रहा था सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति में भी जो साकार ईश्वर है, सगुण साकार रूप में जिस ईश्वर की उपासना की गई है, ऐसे उस साकार ईश्वर को भी दो रूपों में माना गया है। एक भगवान श्री राम के रूप में, तो दूसरा भगवान श्री कृष्ण के रूप में माना गया है। श्री कृष्ण के रूप में ईश्वर की उपासना करने वाले जो कवि है, उसमें प्रमुख रूप से सूरदास को माना जाता है। उन्होंने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किस तरह से चित्रण किया, उनको किस तरह से आराध्य देव मान करके उनकी किस तरह उपासना की, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब सगुण भक्ति का जो दूसरा स्वरूप है, सगुण भक्ति में साकार ईश्वर को प्राप्त करने का जो दूसरा मार्ग है, वो है भगवान श्री राम के रूप में प्राप्त करने का। इसको राम कविधारा के रूप में जाना जाता है। इस राम कविधारा के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी तुलसीदास हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य देव माना है, और उन्हीं को उपासना में, उन्हीं की अर्चना में उन्होंने काव्य रचना की है। राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं, उसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की जो भी स्वरूप है उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, कृष्ण के स्वरूप का चित्रण किया है, उसी तरह इन्होंने भगवान श्री राम की लीलाओं का और उनके स्वरूप का चित्रण किया है। इनका जो आराध्य देव है वो भगवान श्री राम है। अब देखिए राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भी उस तरह श्री कृष्ण काव्य धारा के कवियों की तरह अपनी राम कथा का जो आधार ग्रंथ है वो संस्कृत के जो कवि हैं वाल्मीकि, उनके द्वारा रचित उस रामायण को माना है। उन्होंने वहाँ वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत या श्रीमद् भागवत ग्रंथ को माना है कृष्ण काव्य धारा का आधार। उसी तरह राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भी उस राम कथा का प्रमुख आधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि कृत रामायण को माना है। हालांकि रामायण के बाद महाभारत के रामोपाख्यान में भी राम कथा वर्णित की गई है। संस्कृत के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें भी राम विषय के आख्यान मिल जाते हैं। आपने जैसे सुना होगा अगस्त संहिता है, रागवीय संहिता है, संस्कृत के ग्रंथ हैं अगर संहिता, रागवीय संहिता है, राम रहस्य उपनिषद है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, अगर विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है। ये ग्रंथ संस्कृत के हैं जिसमें भगवान श्री राम की कथा का आख्यान मिल जाता है, भगवान श्री राम की कथा का कहीं कहीं उल्लेख मिल जाता है। हिंदी साहित्य में जो रामकथा का जो प्रमुख आधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि कृत रामायण और कहीं कहीं अध्यात्म रामायण को भी आधार बनाया गया है। अगर राम का परंपरा के सर्वप्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास है, जिन्होंने राम कथा पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें सर्वप्रमुख ग्रंथ के रूप में उनके द्वारा रचित रामचरित मानस को माना जाता है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र का, उनकी जो भी चारित्रिक विशेषताएं हैं उसका उल्लेख किया है। इन्होंने रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वर वै रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नेछू, रामज्ञा प्रश्न आदि ग्रंथों की भी रचना की है। हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इनके वारे ग्रंथ प्रामाणिक रूप से माने, जिसमें
कुछ ग्रंथ बड़े ग्रंथों के रूप में है तो कुछ ग्रंथ छोटे ग्रंथों के रूप में, लेकिन इन सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में इनके द्वारा लिखित रामचरितमानस को माना जाता है, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर, संपूर्ण चरित्र को लेकर के और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि राम काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो केवल भक्तिकाल तक ही लिखे गए हैं, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल व आधुनिक काल में भी राम काव्य परंपरा का उल्लेख मिल जाता है। आपने देखा होगा जैसे आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जाओगे तो वहाँ रीतिकाल आएगा, रीतिकाल में आपका पहला कवि है केशवदास, तो केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है वो भी हमारी राम काव्य परंपरा का ही निर्वहन करती है। राम काव्य परंपरा को लेकर उन्होंने उस रामचंद्रिका में भी राम के चरित्र का उल्लेख किया है, इस परंपरा का निर्वाह किया है। उधर आप देखो आधुनिक काल है तो आधुनिक काल में कवि मैथिली शरण गुप्त, आप जैसे थर्ड ईयर में जाओगे तो मैथिली शरण गुप्त पढ़ोगे, उस मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत, साकेत नाम का जो आधुनिक खड़ी बोली के महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, वो साकेत पूरे राम कथा को पर आधारित ग्रंथ है। तो राम काव्य को लेकर न केवल भक्ति काल में ही ग्रंथ लिखे गए, राम काव्य परंपरा को लेकर रीतिकाल एवं आधुनिक काल में भी ग्रंथ लिखे गए हैं। साकेत जिसमें राम कथा का उल्लेख किया गया है, 14 सर्गों में रचित रचना है, महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, आधुनिक काल में खड़ी बोली के महाकाव्य के रूप में जिसको जाना जाता है, उसमें राम काव्य राम कथा का उल्लेख किया गया है। उसको साकेत को राम का राम कथा की एक प्रौढ़ रचना के रूप में माना जाता है, लेकिन राम काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास ही हैं। इन्हीं को केंद्र मान करके और इन्हीं को हम राम काव्य परंपरा का प्रवर्तक मान करके इनके द्वारा रचित राम काव्य धारा के कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करेंगे। इसमें प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार है। तो देखिए राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां बोल दीजिए, विशेषताएं बोल दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या है। अब ये भी उसी कृष्ण काव्य धारा की तरह है, जिस तरह भक्ति काल में सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के वाल स्वरूप का चित्रण किया था, उसी तरह कृष्ण काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने भी भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया है, राम के स्वरूप का वर्णन किया है इन्होंने, वहां उन्होंने कृष्ण के वाल स्वरूप का चित्रण किया था, यहाँ इन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया है। जिनका जो भी आराध्य देव है वहां कृष्ण काव्य धारा में उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था, नंद का जो पुत्र है, उसी तरह राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक है उनका आराध्य देव है वो भगवान श्री राम है, दशरथ का पुत्र है। अगर तो इन्होंने भी भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया है। तो पहली इनकी जो विशेषता है वो है भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण वर्णन लिख दो, चित्र देखिए बात है भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है। देखिए इन्होंने भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं उनके स्वरूप का चित्रण किया है, लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, दशरथ सुत त्यों लोक वखाना राम नाम का मर। देखिए नाम की महत्ता पर भी बल है, साथ में ही दशरथ सुत त्यों लोक वखाना, मैं दशरथ के पुत्र उसका वर्णन कर रहा हूं जिनका तीनों लोकों में वर्णन किया जाता है। दशरथ सुत त्यों लोक वखाना राम नाम का मर में आ गए। तो वहां इन्होंने उस दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया है, भगवान श्री राम को यहां मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष के रूप में बतलाया गया है। एक जगह उन्होंने और भी लिखा है भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण करते हुए, उन्होंने लिखा है, उन्होंने वहां लिखा था कृष्ण का धारा कवियों ने शोभित कर नवनीत लिए कि इस तरह शोभायमान हो रहे हैं भगवान श्री राम, उसी तरह इन्होंने भी लिखा भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए, इन्होंने लिखा है शीश जटा उर बहु विशाल
बिलोचन लाल तिरछ सी बोहें, तून सरासन वान धरे तुलसी वन मारग में सुठ सोहें। देखिए क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कृष्ण काव्यधारा के कवियों की तरह इन्होंने भी राम काव्यधारा के कवियों ने कहा है कि हमारा जो श्री राम है उसका स्वरूप कैसा है, शीश जटा, सिर पर जिनकी जटाएं हैं, शीश जटा और बाहु विशाल, जिनका और भुजाएं है वो विशाल है, बक्षिस्तन और भुजाएं जिनकी विशाल है, तो भगवान श्री राम की थी। और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी मोहे, और देखने में जो लाल लाल तिरछी से नेत्र वाले दिखाई देते हैं। तून सरासन वान धरे, तून सरासन, तून यानी तरकस में, तरकस जो कंधे पर लगा हुआ होता है वान रखने का जो पात्र, सर आसन जिसमें, अर्थात तरकस जिनके कंधे पर लगा हुआ है और वान जिसमें जमे हुए हैं, वान जिसमें लगे हुए हैं। तून सरासन वान धरे तुलसी वन मारग में सुठ सोहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं इस तरह के हमारे वो भगवान श्री राम है वो वन मारग में शोभायमान हो रहे हैं, सुंदर रूप में शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है, और उन्होंने इतना तक कहा है तुलसीदास जी ने कि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाएगा, अनीति बढ़ जाएगी, असुर बढ़ जाएंगे, अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, तब तब हमारा जो प्रभु है भगवान श्री राम वो मनुष्य रूप में शरीर धारण करके और उनका विनाश करेगा। लिखा है इन्होंने, आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जब जब होए धर्म की हानि, कि इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होने लग जाएगी, अत्याचार होने लग जाएगा, अनीति होने लग जाएगी, अन्याय होने लग जाएगा, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि जब वो हमारे जो ईश्वर है वो मनुष्य का स्वरूप धारण करके और इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और हरे कृपा निधि, और वो कृपा के समुद्र क्या करेंगे, हरण करेंगे, क्या सज्जन पीड़ा, सज्जनों की जो पीड़ा जो असुर अभिमानी व्यक्तियों द्वारा जी जा रही है, ऐसी उस पीड़ाओं का वो हरण करेंगे, उनको सुख प्रदान करेंगे। इस तरह हमारे प्रभु के भगवान श्री राम का स्वरूप है, इस तरह उन्होंने भगवान श्री राम की जो भी स्वरूप है, उनकी जो भी लीलाएं, उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्यधारा के कवियों की वो है सेवक सेवी भाव की भक्ति। सेवक सेव्य भाव की भक्ति, ये इसको यूं भी बोल सकते हैं, दस भाव की भक्ति। देखिए सेवक सेव्य भाव की भक्ति या दस भाव की भक्ति, कृष्ण काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने सखा भाव की भक्ति की थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना था। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव तो माना, लेकिन आराध्य देव किसके रूप में माना, सखा के रूप में माना। तो राम काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को स्वामी के रूप में माना और अपने आप को सेवक के रूप में माना। सेवक सेव्यो, सेवक के द्वारा स्वामी की सेवा करने का जो भाव है उस भाव की भक्ति इनके द्वारा की गई है। ये अपने आप को उस भगवान के दरबार में दास समझते हैं, सखा नहीं, अपने आप को उसका दास समझते हैं, सेवक समझते हैं, नौकर समझते हैं, और स्वामी अपने आराध्य देव को समझते हैं। इस तरह वो भगवान श्री राम को ही स्वामी मान करके और अपने आप को उसका सेवक मान करके और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं भगवान के दरबार। आप देखिए लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है सेवक सेव्य भाव की भक्ति बतलाते हुए, और तुलसीदास जी ने लिखा है सेवक सेव्य भाव भवन तरिय उर्गार, सेवक सेव्य भावेन भवन तरिय उर्गार, हम चाकर रघु, सेवक सेव भाविन भवन तरिय उर्गार। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे उस आराध्य देव के प्रति हमारे मन में सेवक सेव्य भाव, सेवक के द्वारा सेवा करने का भाव नहीं होगा, तब तक भवने तरिय उर्गार, तब तक हम हृदय से इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने
भगवान श्री राम के प्रति इस तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा। और भी लिखा है एक जगह तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान श्री राम का सेवक मानते हुए, और उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, और उन्हीं के दरबार में हम पढ़ते लिखते हैं। हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर से मनसबदार। कहे तुलसीदास जी कह रहे हैं अब इससे ज़्यादा और हम क्या होंगे, नर से मनसबदार। हम सामान्य नर हैं, प्राणी हैं, इससे हम कोई आपके मनसबदार नहीं हो सकते। अगर मनसबदार करेंगे तो आप ही करेंगे। हम तो एक सामान्य नर हैं, आपके सेवक हैं, और हम आपके दरबार में ही पढ़ते लिखते हैं, वहीं रहते हैं। इस तरह का भाव व्यक्त करके, और उन्होंने अपना जो भी आराध्य देह है उसके प्रति स्वामी का भाव रखा है, अपने आप को उसका सेवक माना है, और सेवक मान करके और स्वामी की सेवा करने का भाव अर्पित किया है। अगली जो प्रवृत्ति है रामकाव्य धारा के कवियों की, वो है कि भगवान श्री राम की उदारता और महानता में विश्वास। भगवान श्री राम की उदारता या महानता में विश्वास। भगवान श्री राम की उदारता या महानता में विश्वास। अब देखिए उदार उन्होंने भी भगवान की भक्तवत्सलता में विश्वास किया था। कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने, उसी तरह राम काव्य धारा के कवियों ने भी भगवान की उदारता महानता में विश्वास किया। इन्होंने कहा है कि भगवान से राम के बराबर और कोई भी उदार नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा उदारवादी अगर है तो वो है भगवान से राम। ये इनकी महानता है। उदारता क्या होती है? उदारता होती है कि याचक को जितना कुछ चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दे देना। एक उदारता एक भाव होता है, अगर ना उदारता एक भाव होता है जिसमें जो भी याचक होता है, भिखारी होता है, जो भी दान का पात्र होता है, उसको स्वामी के द्वारा इतना दे देना जितनी उसकी आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा दे देना, वो एक उदारता का भाव होता है। वो भगवान श्री राम में था। अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए भगवान श्री राम है वो उदारवादी थे। वो भक्त को जितनी कुछ आवश्यकता थी उससे कई गुना ज़्यादा दे देते थे। इस तरह की उनकी एक प्रवृत्ति थी, एक विशेषता थी, उसका भी इन्होंने वर्णन किया, उसमें विश्वास किया है। आप देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में दिया हुआ है विनय पत्रिका में, ऐसो को उदार जगमाही, कि संसार में भगवान श्री राम के जैसा कौन है उदार, अर्थात कोई भी नहीं है। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस कोई नहीं, जो बिना सेवा के ही गरीबों पे द्रवित हो जाता है, दया कर देता है, कृपा कर देते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस कोई नहीं, राम के सरिस समान इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। अगर और भी लिखा है, विभिन्न प्रकार के उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं इस पद के माध्यम से। उन्होंने लिखा है जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जो गति जोग विराग जतन कर, योग साधना करके वैराग्य धारण करके, जो गति जिस मोक्ष को, जिस मुक्ति को जोग वैराग्य विभिन्न प्रकार के यत्न करके, विभिन्न प्रकार के उपाय करके भी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, मुनि और ज्ञानी भी प्राप्त नहीं करते, सो गति देत गीत सबरी ने दो। ऐसे उस मुक्ति को भगवान से राम है वो वैसे ही दे देते हैं। किसको? ग्रद्ध जटायु को, गीत सबरी ने सबरी को, सो गति देत गीत सबरी ने, प्रभु ने बहुत जिए जानी। और भगवान श्री राम ने इस तरह की उस गति को, उस मोक्ष को उनको देते हुए भी अपने हृदय से ये नहीं जाना कि मैंने बहुत कुछ दे दिया। ऐसे वो उदारवादी है, ऐसे वो महान है। तो राम काव्य धारा के उन कवियों ने उनकी उस महानता का, उनकी उस उदारता का भी वर्णन अपनी कविता में किया है, उसमें विश्वास किया है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की, वो है संबंधों का केंद्रीकरण। संबंधों
संबंधों का केंद्रीकरण बोल दो, या इसको दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं विभिन्न आदर्शों की स्थापना भी की है। विभिन्न आदर्शों की स्थापना भी इन्होंने की है। अब देखिए, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माना है। आचार्य शुक्ल ने इसको लोक मंगल का काव्य भी कहा है, रामचरितमानस को। क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री राम को लोगों का मंगल करते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए दिखाया है। विभिन्न प्रकार के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया है। तो उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम से विभिन्न प्रकार के आदर्श स्थापित किए हैं, विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं। भाई के साथ भाई का आदर्श, पिता के साथ पुत्र का जो आदर्श है, पुत्र के साथ पिता का जो आदर्श है, माता के साथ पुत्र का जो आदर्श है, तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना भी राम काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से की है। आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी है वो विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उस पद के माध्यम से वो भगवान श्री राम से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध स्थापित करके वो कह रहे हैं मेरा जिस तरह से जितने भी संबंध है, उन सभी संबंधों में मेरा जो हित करने वाला है, मेरा भला करने वाला है, वो भगवान श्री राम आप ही हो, आप ही हो। ये स्वामी लिखा है उन्होंने, आपके सिलेबस में दिया है। तू दयाल, हे भगवान तू ही दयालु है। तू दयाल दीन हूं, मैं तो एक गरीब हूं। तू दयाल दीन हूं, तू दानी हूं भिखारी। तू दानी है, मैं भिखारी हूं। देखिए, भगवान का अपना विभिन्न प्रकार का संबंध बताया है कि तू दयालु है तो मैं दया का पात्र हूं, तू दानी है तो मैं भिखारी हूं। आगे तू दयाल दीन हूं, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, मैं प्रसिद्ध पापी हूं। तू पाप पुंज हारी, हे भगवान तुम पापों का समूह का हरण करने वाले हो, पापियों का उद्धार करने वाले हो। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। और क्या कहा, और भी बहुत सारे कहा है। नाथ तू अनाथ को, हे स्वामी नाथ तू, तू ही मेरा स्वामी है अनाथ का, मैं अनाथ हूं। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, और मेरे समान अनाथ कौन है सृष्टि में, अर्थात सबसे बड़ा अनाथ तो मैं ही हूं। मो समान आरत नहीं, मोस मेरे समान और कोई पीड़ित नहीं है। मो समान आरत नहीं, आरती हरतोसो, और पापों का हरण करने वाला आप जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में। तो इस तरह भगवान से विभिन्न प्रकार के संबंध और आदर्शों की स्थापना की है। और भी लिखा है आगे, और भी लिखता हुआ उन्होंने विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हुए और भी कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहा है, ब्रह्म उसको कहा है, भगवान से राम को कहा है, ब्रह्म तू ही, जीव तू ही, ठाकुर हो चेहरो, कि मेरे लिए तू ही ब्रह्म है। ब्रह्म तू हो जीव, मैं तेरे लिए जीव हूं। तू ठाकुर हो चेहरो, तू मेरे लिए ठाकुर है तो मैं तेरा चेहरा सेवक हूं, दास हूं। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विद्य हितु तू मेरो। देखिए, अगर मेरा तात है, पिता है तो तू है, तात मात माता है तो तू है, गुरु गुरु है तो तू है, सखा अगर दोस्त है तो तू है, अर्थात सब तरीके से तू मेरा हितैषी है। तो इस तरह इन्होंने भगवान श्री राम के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करके भगवान श्री राम को अपने उद्धार का, अपने मोक्ष का दाता बताया है। इस तरह इन्होंने भगवान के साथ इस तरह संबंध स्थापित करके और भगवान से अपने विभिन्न प्रकार के आदर्श स्थापित किए हैं। कहीं उसके साथ सेवक का, स्वामी का आदर्श स्थापित किया है, कहीं उसके साथ पापी का और पाप से उद्धार करने वाले का संबंध स्थापित किया है, कहीं उसको ब्रह्म बताया तो अपने आप को जीव बताया है, कहीं उसको ठाकुर बताया तो अपने आप को चेला बताया है। अगर तो इस तरह भगवान श्री राम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के आदर्श स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, और इस तरह भगवान को ही अपने उद्धार का केंद्र माना है। ये राम काव्य धारा के कवियों की प्रवृत्ति है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की, उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज तक यहीं तक चर्चा करते हैं, धन्यवाद।